फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश भर में लागू होने जा रही नई शिक्षा नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी कुछ अहम बदलाव करने की सोची है। तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई में चल रहे ऐसे सभी ट्रेड बंद करने का विचार कर रहा है जिनका अब कोई औचित्य नहीं रहा है। इस बात के संकेत तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने दिए हैं। तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज ऐसी तकनीकी शिक्षा की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी मिल सके। गांव का युवा कोर्स करने के बाद अपने घर द्वार पर ही स्वरोजगार कमा सके, इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने माना कि आज आईटीआई में बहुत से ऐसे कोर्स करवाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं रहा है, इसलिए अब इन कोर्स को हटाकर नए कोर्स शुरू करने पर विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। डॉक्टर मारकंडा ने कहा कि प्रदेश के आईटीआई को उद्योगों के साथ जोड़ा जाएगा और सभी आईटीआई में हर वर्ष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कुछ पुरानी और बड़ी आईटीआई में हर महीने ऐसे रोजगार मेलों के आयोजन पर विचार किया जा रहा है। आईटीएस में हमारे रिजल्ट अच्छा है, रिपोर्ट अच्छा है। लगभग हिमाचल प्रदेश के अंदर 132 हमारे जो है सरकारी आईटीएस हैं, 151 जो है आपके प्राइवेट आईटीएस हैं। और मैं चाहता हूँ कि एक मुख्यमंत्री महोदय से इंडस्ट्रीज का मैं मीटिंग कराऊंगा और उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा इंडस्ट्रीज से भी कि एक तो कैंपस इंटरव्यूज हो, यहाँ पर आके जो कैंपस प्लेसमेंट हो और साथ ही साथ जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हर महीने कुछ आईटीएस में, जैसे शाहपुर बड़ा रिनाउंड हमारा आईटीआई है, बहुत पुराना आईटीआई है, मंडी का आईटीएस है, सुंदरनगर का आईटीएस, हमारा कंडाघाट का आईटीएस, बहुत इंजीनियर हमारे आईटीएस है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम पहुँचें, वहाँ जो है वहाँ पर जो है हम रोजगार मेला लगाएं और रोजगार जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको वहाँ पर उनको जो है रोजगार मिल सके। मैं देख रहा हूँ हमारे पास इतने ट्रेड चल रहे हैं, उन ट्रेड से बच्चों की संख्या कम है क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो ट्रेड पुराने हो चुके हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। हमें आने वाले समय में वो ट्रेड खोलने की कोशिश करेंगे जिनका सीधा सीधा लोग नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के लिए काम आ सके। और जो है आज हमें एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर आपका मोबाइल है परंतु मोबाइल ठीक करने वाला कोई नहीं मिल रहा है। अब ऐसी ऐसी चीज़ें जो है आईटीएस को जो है स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना चाहता हूँ मैं, बहुत स्कोप है स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। जो हमारे नौजवान मेरे दोस्त जो है ग्रेजुएशन करने के बाद मैट्रिक करने के बाद, चाहे वो अनपढ़ भी है घर बैठा है, उसको मैं स्ट्रीमलाइन से जोड़ना चाहता हूँ कि उनको हम स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम पैसे देंगे, ट्रेनिंग कराएंगे ताकि जो है हर गाँव में हर जिले के अंदर कंप्यूटर ठीक करने वाला, मोबाइल ठीक करने वाला, छोटी मोटी गाड़ी ठीक करने वाला व्यक्ति अपने काम सीखे तो आने वाले देश में हिमाचल प्रदेश में मेरा ये मानना है हिमाचल प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को स्वरोजगार मिलेगा। ये हम ये टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से काम करना चाहिए। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।